गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके के लाल बाग में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। मकान के अंदर टेंट हाउस बना था, जिस कारण आग ने विकराल रूप धारण किया। दो महिलाओं की दम घुटने से मौत। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझा दिया। आग मकान के निचले तल पर लगी थी। पहली और दूसरी मंजिल पर एक महिला थी जिनकी दम घुटने से मौत। मकान के पीछे की दीवार तोड़कर 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा। सर, एक मकान में आग लगी थी, क्या यहाँ? आज लगभग 6:52 पर फायर सर्विस कोतवाली को सूचना मिली थी कि लोनी स्थित एक मकान में आग है। तत्काल हमारी ट्रोनिका सिटी से 2 गाड़ियाँ और 1 गाड़ी हमारी साहिबाज से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। यहाँ के देखा तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें टेंट हाउस का काम होता था, उसमें भयंकर आग लगी हुई थी, जिसको तत्काल टीम ने पाइप बिछाकर बुझाना शुरू किया और ऊपर लगभग 8 लोग फंसे हुए थे जिनको सीढ़ी लगा के पीछे दीवार तोड़ते हुए बाहर निकाला गया। जब मकान को पूरी तरह सर्च किया गया तो उसमें पहली मंजिल पे और दूसरी मंजिल पे एक एक महिला, जो वृद्ध महिलाएँ थीं, उनको घायल अवस्था में पाया गया, जिनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया, जिनकी संभवतः कैजुअल्टी हुई। प्रथम दृष्टया हम लोग ने जो देखा है वो शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी मौजूद नहीं था, मकान बंद था, उसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो बंद था चारों तरफ से, तो फोर्सफुली एंट्री करते समय एक दरवाजा लोहे का था, वो कर्मचारी के ऊपर गिर गया था, जिसमें उसके अंदरूनी चोट लगी। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट।